दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीवी के चलते हमारे देश में लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है, लेकिन जब से तबलीगी जमात दिल्ली का मामला सामने आया है उसके बाद गोदी मीडिया भी अपने एजेंडे के मुताबिक काम शुरू कर चुकी है एक विशेष धर्म के खिलाफ। साथ ही साथ कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर भी लोग हैं जो लगातार एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था, फिर एक बार इस वीडियो को दिखाना चाहता हूं। आप देखिए इस वीडियो को, उसके बाद इस वीडियो के बारे में हम आपको सच्चाई बताएंगे आखिर क्या है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, एक शख्स है और उसका हुलिया देख करके ये लगता है कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता होगा, और ये अपने हम कह सकते हैं रेडी पे या फिर ठेले के ऊपर कुछ फ्रूट्स लगाए हुए हैं, उसके बाद फ्रूट्स को साफ कर रहा है, अंगूठे से भी ऐसा थूक लगा करके वहां पर जो है फलों को रख रहा है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस वीडियो को भरपूर फायदे के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने का काम करते हैं उनका बहुत बड़ा ये मसाला उनके हाथ लगा है, जिसको अब वायरल करके लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से एक समुदाय के लोग सीवी फैलाने के लिए क्या क्या तरीके अपना रहे हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में गुस्सा भी है और लोगों के मन में शंका भी है कि आखिर वो मार्केट में जाएं फ्रूट लें तो कहां से लें और कैसे लें, उनके मन में डर का माहौल बन गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस जो ये जो वीडियो है इसका जब फैक्ट चेक किया गया तब यकीनन चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासा हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये वीडियो सबसे पहले टिकटॉक पर वायरल किया गया है, और मैं आपको बता दूं प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये वीडियो मध्य प्रदेश के रायसेन का है, रायसेन जिला मुख्यालय के पास का है। बताया ये जा रहा है सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही सीवी को लेकर लोगों के दिमाग में और डर पैदा हो गया है। अब हर कोई मंडी में फल खरीदने जाएगा तो सबसे पहले उसके दिमाग में तो सवाल यही होगा, आखिर हम कहाँ से खरीदें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी तरह का कोई फल फ्रूट्स वाला हो या इसी तरह के फल रखे हों। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सोशल मीडिया टिकटॉक पर यह वीडियो बोधराज नामक व्यक्ति ने अपलोड किया है। इस युवक के आवेदन को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने फल विक्रेता जो बेचारा फल वो कर रहा था उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इसके खिलाफ जो है इसका नाम शेरू बताया जा रहा है, शेरू के खिलाफ 269 एवं 270 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। उसके बाद जो है वीडियो बनाने वाले युवक ने खुद पुलिस थाने में जाकर इस पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद पता चला कि जो है जब पुलिस ने इस घटना की जो है जांच की और पुलिस अधीक्षक जो है श्रीमती मोनिका शुक्ला ने कहा कि पड़ताल के बाद पता चला यह वीडियो काफी पुराना है, 16 फरवरी 2019 को यह वीडियो शूट किया गया था और अब इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लीज इस तरह के वीडियो मत शेयर करिए, आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, आपका क्या किसी धर्म ने बिगाड़ा है कि आप इस तरह से एक हथियार बना करके विशेष धर्म के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। प्लीज ऐसा काम मत करिए, धर्म के खिलाफ राजनीति करने वाला इंसान नहीं हो सकता है, हम तो उसको हैवान समझते हैं। और सीवी को फैलाने को लेकर के जो इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, प्लीज आपके पास भी कोई वीडियो आता है तो उसको पहले फॉरवर्ड ना करके पहले उसकी सत्यता यानी कि उसकी जांच करें कि वो सच है या नहीं है। इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं, आप देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी यूट्यूब चैनल को और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं कुछ और।